कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब ज्ञान, विवेक और आध्यात्म का गहरा संबंध हुआ करता था, जहां आत्मज्ञान जीवन जीने का तरीका था। ये समय था प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग का, जहां आध्यात्म हर कोने में फैला हुआ था। भारत की इस पवित्र धरती पर कई असाधारण व्यक्ति हुए। वे आपके पारंपरिक वैज्ञानिक तो नहीं थे, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में उनका ज्ञान और अंतर्दृष्टि उनके समय से सदियों आगे थी। ये थे भारत के ऋषि मुनि, जो केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि अपने समय के वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स थे, जो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की खोज में लगे हुए थे। जब हम साइंटिस्ट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर आइंस्टीन और न्यूटन जैसे नाम दिमाग में आते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इन दिग्गजों से सदियों पहले ये ऋषि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर चुके थे। आज भी जब आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है, हम अक्सर इन प्राचीन भारतीय ऋषियों के योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्होंने ज्ञान की नींव रखी। समय के साथ इन ऋषियों का योगदान इतिहास के पन्नों में खो गया और इनका स्थान वेस्टर्न साइंटिस्ट्स जैसे गैलीलियो, डार्विन, आइंस्टाइन और न्यूटन इत्यादि ने ले लिया। आज आपका स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं, जहां प्राचीन विज्ञान आधुनिक विज्ञान से मिलता है। प्राचीन भारतीय ऋषियों के वैज्ञानिक योगदान में आपका स्वागत है। यहां ये बात खास ध्यान देने वाली है कि भारत के ऋषि किसी एक ही फील्ड के एक्सपर्ट नहीं, बल्कि कई विद्याओं के जानकार थे। इसलिए अगर किसी ऋषि ने मैथ्स के क्षेत्र में कोई खोज की है, तो आपको उन ऋषि का लिटरेचर या फिर बायोलॉजी में भी योगदान मिल जाएगा। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में गुरुकुल में स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग भी पढ़ाई जाती थी? सुनकर विश्वास नहीं होता, पर सच तो यही है। प्राचीन समय के ऋषि भारद्वाज के द्वारा यंत्र सर्वस्व नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कॉम्प्लेक्स मशीन्स के टॉपिक्स पर चर्चा करती है। ऋषि भारद्वाज का कंट्रीब्यूशन केवल यहीं तक नहीं है। जिन एरोप्लेन्स को बनाने का सारा श्रेय राइट ब्रदर्स को दिया जाता है, वो एरोप्लेन्स बनाने की टेक्नोलॉजी भी भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखी गई पुस्तक विमान शास्त्र में मौजूद है। भारद्वाज ऋषि ने उड़ने वाली मशीनों की तीन श्रेणी बताई है। एक वो विमान जो पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ सके, दूसरे वो विमान जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ सके, और तीसरे वो जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक यात्रा कर सके। इतना समय बीत गया, पर आज तक हम वो विमान नहीं बना पाए जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जा पाए। तो फिर किस बात का आधुनिक है आज का मनुष्य? ये तो हुई फिजिक्स की बात है, लेकिन भारद्वाज ऋषि का नाम बायोलॉजी के क्षेत्र में भी आता है। भारद्वाज ऋषि को ही पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने का श्रेय जाता है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी कोई और नहीं बल्कि भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण हैं, जो आगे चलकर द्रोणाचार्य कहलाए। दरअसल संस्कृत में द्रोण का अर्थ बर्तन होता है, और द्रोणाचार्य का जन्म बर्तन में ही हुआ था, जैसे एक टेस्ट ट्यूब बेबी का एम्ब्रियो शुरुआती दौर में एक टेस्ट ट्यूब में बनता है। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी के बारे में हम सब जानते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केमिकल रिएक्शन करवा कर बिजली बनाई जाती है। यूं कहे कि इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। पर ये बनाया किसने? इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे तो आपको अलेसान्ड्रो वोल्टा का नाम मिलेगा, पर जो नाम आपको नहीं दिखता वो है अगस्त्य ऋषि। असल में अगस्त्य ऋषि ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक सेल बनाया था। अपनी पुस्तक अगस्त्य संहिता में उन्होंने सेल बनाने के तरीके का वर्णन किया है। उनके अनुसार सेल बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन, तांबे की चादर यानी कॉपर शीट, कॉपर सल्फेट, चूरा यानी सॉडस्ट, मरकरी यानी पारा और जिंक यानी जस्ता की आवश्यकता होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के लोगों को बिजली का ज्ञान था। अगस्त्य ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताया है। आजकल इस्तेमाल होने वाली गोल्ड प्लेटेड और सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ही देन है। ये पूरा ब्रह्मांड एटम्स का बना हुआ है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एटम्स के बारे में बताया किसने? जॉन डाल्टन ने, क्योंकि हमारी बुक्स में तो यही नाम लिखा है। जो नाम हमारी किताबों में नहीं दिया वो है ऋषि कणाद का नाम। महर्षि कणाद का वास्तविक नाम कश्यप है, जिनके नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा था। ऋषि कणाद ही वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि ब्रह्मांड की हर वस्तु छोटे कणों से बनी है। इन कणों या पार्टिकल्स को कणाद ने परमाणु कहा था। इनके अनुसार परमाणु पदार्थ यानी मैटर का सबसे छोटा कण है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्हीं परमाणु को इंग्लिश में एटम्स कहा जाता है।
अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको। कणाद ऋषि ने एक पुस्तक लिखी थी वैशेषिका सूत्र। इस पुस्तक में गति के नियम यानी लॉज ऑफ मोशन, जड़त्व यानी इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में विस्तार से लिखा गया है। ये सब नाम आपने न्यूटन के संदर्भ में सुने या पढ़े होंगे, पर ये सारी बातें तो कणाद ऋषि 600 BC पहले ही लिख गए थे, यानी न्यूटन के जन्म से भी लगभग 2000 साल पहले। 2007 में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च के अनुसार न्यूटन वो व्यक्ति नहीं था जिसने लॉज ऑफ मोशन दिए। न्यूटन ने इन लॉज को चुराया था और जिस ग्रंथ से चुराया था वो है कणाद ऋषि द्वारा लिखित वैशेषिका सूत्र। तो अगली बार जब आप लॉज ऑफ मोशन या एटम्स के बारे में पढ़ें तो कणाद ऋषि का नाम याद रखिएगा, वह ऋषि जिन्होंने एटम्स की सूक्ष्म दुनिया से हमारा परिचय करवाया। हम सब ने कभी न कभी मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम अवश्य पढ़ी है। यह थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और अन्य साइड्स के बीच का रिलेशन बताती है। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे। आश्चर्य की बात यह है कि पाइथागोरस के जन्म से भी लगभग 1000 साल पहले भारत में यह थ्योरम बौधायन ऋषि द्वारा लिखी जा चुकी थी, इसलिए इसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं बल्कि बौधायन थ्योरम कहना सही होगा। हालांकि बौधायन द्वारा ये थ्योरम प्रूव करने का तरीका दूसरा था। बौधायन ने इसे एरिया के माध्यम से समझाया है, जबकि पाइथागोरस ने इसी थ्योरम को ज्योमेट्री के माध्यम से समझाया है। पर इससे ये सच नहीं बदल जाता कि ये थ्योरम इस दुनिया को बौधायन ऋषि की ही देन है। बौधायन ऋषि का कार्य यहीं तक सीमित नहीं है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सुलभ सूत्र में यज्ञ की वेदियों के निर्माण के लिए किए जाने वाले टेक्निक्स का वर्णन किया गया है। यदि किसी यज्ञ अनुष्ठान को सफल करना है तो उसके लिए वेदी का माप बिल्कुल सही होना चाहिए। वेदियों को बनाने के लिए किए जाने वाले सभी कैलकुलेशंस सुलभ सूत्र में दिए गए हैं। इससे ये भी सिद्ध होता है कि यज्ञ अनुष्ठान केवल कोई धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि विज्ञान है जिसका ज्ञान हमारे ऋषियों को था। हम सबने कभी न कभी अपनी पुस्तकों में ये पढ़ा है कि सेल यानी कोशिका की खोज पहली बार इंग्लैंड के रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। ये एक प्लांट सेल था। सेल की खोज से बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की नींव पड़ी और आगे कई डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन पेड़ पौधों के बारे में तो एक पूरी किताब रॉबर्ट हुक से हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। इस किताब का नाम है वृक्ष आयुर्वेद। ये पुस्तक ऋषि पराशर ने लिखी थी। देखा जाए तो ये दुनिया में बॉटनी की सबसे पहली पुस्तक है। यही नहीं, पराशर ऋषि ने कृषि पराशर नाम की भी एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने खेती बाड़ी के आधुनिक तरीकों और खेतों में लगने वाले खर पतवार यानी वीड्स की भी पूरी जानकारी दी है। अंग्रेजों के दिए गए नाम जैसे क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग इत्यादि सब पहले से ही कृषि पराशर में पाए जाते हैं, बस इस पुस्तक की भाषा संस्कृत है। पराशर ऋषि का योगदान ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी में भी है, जिसमें उनके द्वारा लिखी एक अन्य पुस्तक बृहत पराशर होरा शास्त्र काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर विभिन्न घटनाओं के लिए शुभ समय और मुहूर्त निर्धारित किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि पहली बार टेलीस्कोप किसने बनाया। आप में से बहुतों का जवाब होगा कि टेलीस्कोप पहली बार गैलीलियो ने बनाया, जो 16वीं शताब्दी में हुआ करता था। लेकिन गैलीलियो से भी हजारों साल पहले सबसे पहला टेलीस्कोप बनाने का श्रेय महर्षि भृगु को जाता है। प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति में नवग्रह और सौरमंडल के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है। ये जानकारी बिना किसी टेलीस्कोप के प्राप्त कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि सभी ग्रह और सूर्य चंद्रमा हमसे बहुत दूर है। महर्षि भृगु द्वारा लिखे गए इस श्लोक में टेलीस्कोप बनाने की विधि लिखी हुई है। वैसे जहां तक भारत में टेलीस्कोप के निर्माण की बात है, तो कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर में टेलीस्कोप से देखते हुए एक व्यक्ति का चित्र पत्थर पर उकेरा गया है। ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो पुनः ये सिद्ध करता है कि टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो से पहले भारत में ही हुआ था। महर्षि भृगु द्वारा रचित पुस्तक भृगु संहिता ज्योतिष विज्ञान की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें कुंडली के लग्न के आधार पर व्यक्ति के जीवन और उसका भाग्योदय का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि जिस शिशु का जन्म अभी हुआ भी ना हो और वो अपनी माँ के गर्भ में हो, उसका भविष्य बताने में भी ये ग्रंथ सक्षम है। आइए अब जानते हैं दुनिया के पहले गणितज्ञ के बारे में, जिनका नाम है लगध ऋषि। इनको दुनिया के सबसे पहले मैथमेटिशियन और सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर का दर्जा प्राप्त है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक वेदांग ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी के पहले पुस्तकों में से एक है।
इस पुस्तक के माध्यम से लगत ऋषि ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में कई कैलकुलेशंस किए हैं। वेदांग ज्योतिष के अनुसार चंद्र मास यानी लूनर मंथ पूर्णिमा के अगले दिन शुरू होता है और एक लूनर मंथ लगभग 29.5 लूनर डेज के बराबर होता है। इसी प्रकार से एक चंद्र वर्ष 12 महीनों का होता है। इसी वेदांग ज्योतिष की मदद से हमारा पंचांग बनाया गया जो चंद्रमा के महीनों और दिनों पर आधारित है। इसलिए हम देखते हैं कि हर वर्ष दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को और होली फागुन मास की पूर्णिमा को ही होती है। इसी प्रकार अन्य त्योहार भी चंद्रमा के दिनों के अनुसार होते हैं। जब भी कभी प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स और ज्योतिष विज्ञान की बात आती है तो वराहमिहिर का नाम अवश्य लिया जाता है। वराहमिहिर 6 शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 BC के एक प्रमुख विद्वान थे जिनका एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वराहमिहिर ने इन विषयों पर कई किताबें लिखी जिनमें पंच सिद्धांतिका सबसे महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों में ग्रहों की चाल, सूर्य और चंद्र ग्रहण, संक्रांति यानी सोल्स्टिस और विषुव यानी इक्विनॉक्स और अन्य खगोलीय घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संक्रांति उस दिन को कहते हैं जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जैसे मकर संक्रांति, मीन संक्रांति इत्यादि। 12 राशियों के अनुसार एक साल में 12 संक्रांति होती है। अगर इक्विनॉक्स यानी विषुव की बात करें तो इक्विनॉक्स साल के वो दो दिन होते हैं जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सीधी पड़ने के कारण पूरे विश्व में दिन और रात का समय बराबर होता है। साल में दो इक्विनॉक्स होते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च के आसपास और ऑटम इक्विनॉक्स 23 सितंबर के आसपास होता है। गणित में भी वराहमिहिर ने ट्रिग्नोमेट्री के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। उन्होंने साइन कोसाइन और कॉट फंक्शंस के कैलकुलेशंस के लिए नए मेथड्स का आविष्कार किया। उन्होंने आर्यभट्ट के द्वारा बनाई गई साइन टेबल की वैल्यूज में भी सुधार किया। वराहमिहिर का मौसम विज्ञान अनुसंधान यानी मीटरोलॉजिकल रिसर्च में भी बड़ा योगदान है। उन्होंने मौसम के पैटर्न, बादलों का निर्माण और मौसम की भविष्यवाणी कैसे की जाए इसके बारे में भी बताया है। गणित के क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त का योगदान भी अद्वितीय है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिनमें खंड खाद्यक, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और कैडम केला प्रमुख हैं। उन्होंने कई ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूले विकसित किए जिनसे एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। ब्रह्मगुप्त ने सौर मंडल के ग्रहों की पोजीशन और उनकी गति के बारे में भी कैलकुलेशंस किए। उन्होंने ये भी बताया कि एक सौर वर्ष यानी सोलर ईयर 365 दिन 5 मिनट और 19 सेकंड्स का होता है। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों द्वारा एक सोलर ईयर का जो समय बताया गया है वो ब्रह्मगुप्त द्वारा दी गई वैल्यू से काफी मिलता जुलता है। ब्रह्मगुप्त का योगदान ज्योमेट्री के क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है जिसमें उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स यानी चक्रीय चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है। इसे ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला भी कहा जाता है। ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए उपयोग किया जाने वाला हेरोन्स फॉर्मूला ब्रह्मगुप्त के फॉर्मूले से ही प्रेरित है। यहाँ आप इन दोनों फॉर्मूलों का कंपैरिजन देख सकते हैं। इसके अलावा जीरो को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने किया था। हालांकि बहुत लोग जीरो को संख्या के रूप में प्रयोग करने का श्रेय आर्यभट्ट को भी देते हैं, पर ब्रह्मगुप्त वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य का उपयोग कुछ सिद्धांतों के अनुसार किया था। पॉजिटिव और नेगेटिव संख्याओं को लिखने और उनको सॉल्व करने का कार्य भी ब्रह्मगुप्त ने ही किया था। उदाहरण के लिए ब्रह्मगुप्त ने ही ये बताया कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर नेगेटिव नंबर ही मिलता है। अंत में बात करते हैं एक ऐसे ऋषि की जो न केवल एक गणितज्ञ थे बल्कि एक दार्शनिक और विचारक भी थे जिनके काम ने आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखी। ये महान ऋषि है पिंगल जिन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर्स की भाषा बाइनरी नंबर्स की खोज की। हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स 0 और 1 की भाषा ही समझता है। हालांकि पिंगल ने उस समय शून्य और एक के रूप में नहीं बल्कि लघु और गुरु के रूप में ये कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ लघु का अर्थ 0 और गुरु का अर्थ 1 है। दरअसल पिंगल संस्कृत के छंदों यानी स्वरों पर कार्य कर रहे थे। इनमें से लंबा स्वर दीर्घ स्वर कहा जाता है और छोटा स्वर लघु स्वर कहा जाता है। इन्हीं छंदों का वर्णन पिंगल ने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में किया है जो 300 BC पहले लिखी गई थी। पिंगल के द्वारा लघु और दीर्घ स्वरों का उपयोग आज के बाइनरी नंबर्स का आधार बना। संस्कृत के छंद और बाइनरी नंबर्स का यह गहरा नाता ये सिद्ध करता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए अनुकूल दुनिया की एकमात्र भाषा संस्कृत है।
यही नहीं, बाइनरी नंबर्स का उपयोग रोबोटिक्स और स्पेस कम्युनिकेशन के लिए भी अनुकूल है। आज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग कर रहे हैं उसका श्रेय पिंगल ऋषि को ही जाता है। प्राचीन भारत के ऋषियों ने विज्ञान और दर्शन की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा इत्यादि के बारे में उनके गहन ज्ञान ने उन कई खोजों और प्रगति की नींव रखी जिनके आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। जैसे हम इस वीडियो के समापन की ओर बढ़ते हैं, आशा है आप इन विद्वानों के शाश्वत ज्ञान और बौद्धिक कौशल को सदैव याद रखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं फिर एक अन्य रोचक विषय के साथ। नमस्कार, जय महाकाल।